गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग आ पहुंचे हैं महाराजपुर। जी हां गाइस, मैं अभी दीदी को छोड़ने आया हुआ था कुछ काम से। तो उन्होंने मैंने यहां के लोकल लोगों से पूछा कि भाई यहां पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है और फेमस चीज़ क्या है। तो उन्होंने मुझे दो ऑप्शन दिए। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर पड़ता है और एक पड़ता है ढोड़ी घाट। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ढोड़ी घाट घूमा जाए। तो फिर आज हम जाने वाले हैं ढोड़ी घाट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा नाम है अनमोल सिंह और आप देख रहे हैं समय एडरसी व्लॉग्स। तो आइए फिर चलते हैं अपनी मंजिल की ओर और आपको दिखाते हैं कि ढोड़ी घाट कैसा लगता है जो महाराजपुर में स्थित है। ये हमारे घर से कम कुछ नहीं तो 20-30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। तो आइए फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ढोड़ी घाट। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में। पहुंच चुके हैं ढोड़ी घाट और पीछे आप देख पा रहे हो कितनी बढ़िया ग्रीनरी और सामने भाई यहाँ पे एक नदी बनी हुई है। तो यार यहाँ आते ही बराबर मैंने देखा कि यहाँ पे लिखा है कि फोटो खींचना मना है। यार मेरा लिटरली मूड ख़राब हो गया क्योंकि भाई पहले यहाँ पे कोई भी मतलब फोटो खींचना मना नहीं था, अब लेकिन मना कर दिया है। तो भाई मैं आपको अंदर की चीज़ें तो नहीं दिखा सकता लेकिन बाहर की जितनी भी चीज़ें दिखा सकता हूँ क्योंकि आज मैं पॉकेट वाली भी जेब नहीं पहन के आया हूँ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तब की टी शर्ट नहीं पहन के आया हूँ, क्या ही बोल सकते हैं। तो मैं अंदर की चीज़ें आपको नहीं दिखाऊंगा ढोड़ी घाट के, पर लेकिन आपको बाहर की चीज़ें जो मैं दिखाने वाला हूँ, जो ब्यूटी यहाँ पे बाहर की है ना, तो लिटरली इतनी तो अच्छा है अंदर की भी नहीं होती। तो आइए फिर आपको दिखाते हैं बाहर की ब्यूटी और मज़े लीजिए आज की इस ब्यूटी का। पा रहा हूँ कितना प्यारा लग रहा है भाई। आप जब यहाँ आओगे ना भाई अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, बहुत ही प्यारा लगता भाई। ये मतलब पूरा जंगली जंगली इस तरफ बनाया हुआ है लोगों ने और भाई इधर सामने पड़ती है नदी और भाई पेड़ देखो आप, कि मज़ा आ जाता है यार कसम से। अभी देखते हैं आगे चलते हैं और यहाँ पे एक भाई कोई मंदिर बना हुआ है तो आपको पहले वो दिखाते हैं, ठीक है। मतलब वो मंदिर तो नहीं दिखा पाएंगे और भाई बताया जाता है कि यहाँ पे भाई आगे की ओर मुर्दे भी फूके जाते हैं। तो मैं वहाँ नहीं जाने वाला क्योंकि मेरा वो कोई काम नहीं बनता। अभी हम आपको ये दिखाते हैं जो छोटी सी कुटिया बनी हुई है यहाँ पे, कुटिया कह सकते हैं। यहाँ पहले मंदिर बना होगा और बाद में वो मंदिर शायद डूब गया होगा। डूब गया क्या मतलब, इन द सेंस वो बैठ गया होगा, उसको मतलब नीचे कर दिया गया होगा। अभी दिखाता हूँ, देखिए गाइस पहले इसमें मंदिर होगा और बाद में जब मिट्टी बढ़ गई तो ये मंदिर पूरा अंदर धंस गया और बाद में इसका विकास भी नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ पे किसी ने भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है वो। पीछे कितना प्यारा व्यू आ रहा है, आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। एडिटिंग करने बैठा हूँ तो गाइस इसको एडिट करते करते कम से कम दो तो बज ही जाता है लमसम और फिर अपलोड करते करते 3-4 बज जाता है। तो तब जा करके मैं सोऊंगा। तो गाइस आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है आपका भाई। तो यार एक लाइक और शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं वीडियो को एडिट करने। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।